ओ फाइनली गाइज यहाँ पे देख सकते हो तो पेटीएम के अंदर यहाँ पे न्यू अपडेट आ चुका है। जैसे कि गाइज यहाँ पे देख सकते हो तो 2023 का ये पहला अपडेट है। तो अगर गाइज आप भी यहाँ पे अभी तक अपने पेटीएम को अपडेट नहीं किया तो कैसे अपडेट करना है, और यहाँ पे गाइज आपके पेटीएम के अंदर यहाँ पे बहुत सारे फीचर हैं जो कि गाइज यहाँ पे ऐड कर देंगे, जैसे कि गाइज UPI लेट। तो चलिए मैं आपको बता देते हैं कि किस तरह से अगर गाइज आप अभी तक अपने पेटीएम को अपडेट नहीं किया तो किस तरह से अपडेट करना है। और यहाँ पे गाइज जो अभी पेटीएम के अंदर यहाँ पे UPI लाइट वाला जो फीचर ऐड किया गया है उससे आपको क्या फायदा होने वाला है, जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लेटेस्ट वर्जन का लिंक दे दिया हूं, तो वहां से जाकर के डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद गाइज मैं आपको यहाँ पे A to Z शुरू से जानकारी देने वाला हूँ कि किस तरह से गाइज आपको एक्टिवेट करना है, किस तरह से यूज करना है, मैं आपको यूज करके भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पे लॉग इन करना है, तो यहाँ पे गाइज आपको मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना होगा। तो फाइनली गाइज यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर फिलअप करते हो उसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद गाइज आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से गाइज आपको अलाउ मांगे तो अलाउ दे दीजिएगा। तो यहाँ पे गाइज जैसे सभी परमिशन को अलाउ करते हो उसके बाद जो मोबाइल नंबर फिलअप किया उस पर OTP आएगा, 6 अंक डिजिट कोड आएगा जैसे कि गाइज यहाँ पे देख सकते हो। तो बस गाइज यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये खुद ही वेरीफाई हो जाएगा। बस गाइज यहाँ पे जो मोबाइल नंबर फिलअप किया हो वो आपके मोबाइल में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे स्क्रीन लॉक लगाना चाह रहे हो तो यहाँ पे इनेबल नाउ पे क्लिक कर सकते हो। फिलहाल मैं स्किप पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि गाइज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि किस तरह से यहाँ पे जो पेटीएम के अंदर न्यू फीचर ऐड किया गया उसे किस तरह से यूज कर, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो यहाँ पे गाइज आपका पेटीएम का होम पेज देखने को मिल जाएंगे। तो आप गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हो नीचे आना, नीचे आने के बाद गाइज यहाँ पे आपको UPI लाइट करके एक ऑप्शन शो हो जाएगा यहाँ पे गाइज, तो आपको क्लिक करना है। अगर गाइज ये आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है ना तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में जाना और यहाँ पे गाइज आपको लाइट या फिर UPI लाइट यहाँ पे सर्च मार सकते हो। तो यहाँ पे गाइज जैसे आप लाइट यहाँ पे सर्च मारोगे ना तो यहाँ पे गाइज आपको फर्स्ट नंबर पे देखने को मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने भी कुछ इस तरह से ही देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे गाइज आपको क्या करना है, पहले इसके अंदर बैंक अकाउंट को ऐड करना है। तो यहाँ पे गाइज आपको ऐड है न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ से गाइज आपको बैंक अकाउंट को ऐड कर लेना है, जिस भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो चलिए मैं फाइनली यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे गाइज जैसे आप अपने बैंक अकाउंट पे क्लिक करोगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अब गाइज आपको क्या करना है ना, ऐड करने के बाद गाइज इस फीचर का यूज करने के लिए गाइज आपको इसके अंदर 200 या फिर गाइज 2000 या फिर गाइज आप मैक्सिमम इसके अंदर 9000 तक के यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मिनिमम गाइज इसके अंदर आप 1 रुपया भी ऐड कर सकते हो। तो अब गाइज आपको क्या करना है, यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है अगर आप इसके अंदर पैसे को ऐड करना चाह रहे हो, इसको यूज करना चाह रहे हो। तो उसके बाद फिर गाइज यहाँ से आप अपने मैक्सिमम 9000 तक के या फिर मिनिमम आप यहाँ पे 1 रुपया तक के ऐड कर सकते हो। उसके बाद गाइज अगर आप यहाँ पे 10000 ऐड करना चाहोगे तो यहाँ पे गाइज 10000 ऐड नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई भी बटन की काम ही नहीं करेगा। यहाँ पे गाइज आप 9000 तक के ऐड कर सकते हो। तो फाइनली गाइज आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए यहाँ पे चलिए मैं 10 रुपया ऐड कर लेता हूँ। 10 रुपया ऐड करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको ऐड मनी UPI लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से गाइज आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे जो आपका UPI पिन ने जो MPIN है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ये गाइज आपको 4 अंक का भी हो सकता है या फिर 6 अंक का भी हो सकता है, वो आपके बैंक अकाउंट पे निर्भर करता है। तो चलिए मैं यहाँ पे UPI पिन फिलअप कर देता हूँ। तो फाइनली गाइज जैसे फिलअप करते हो उसके बाद फिर आपको गुड के निशान पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे ना उसके बाद गाइज यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। और फाइनली गाइज यहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरह से गाइज आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद चलिए अब मैं आपको बताते हैं कि इसे आप कैसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइज आपको क्या करना है ना, फिर से पेटीएम का होम पेज पे आ जाना है। तो चलिए मैं फाइनली यहाँ पे होम पेज पे आ चुका हूँ। अब गाइज आप अगर आप किसी के पास यहाँ पे आप पेमेंट करना चाह रहे हो, जैसे कि गाइज मैं आपको पेमेंट करके भी बता देता हूँ, यहाँ पे आपको इस बंदे के पास यहाँ पे पेमेंट करके बता देते हैं। तो आपको बताने के लिए गाइज यहाँ पे आप जितना पेमेंट करना चाह रहे हो उतना आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। मैं आपको बताने के लिए 1 रुपये फिलअप करता हूँ, उसके बाद पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपका फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे गाइज पहले आपको क्या होता है कि यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ता होगा, लेकिन गाइज यहाँ पे अगर आप यहाँ पे UPI लेट से यहाँ पे पेमेंट करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है,
यूपीआई लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अगर यहाँ पे आपका पेटीएम एक्टिवेट हो चाहे ना हो कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर आपका पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट नहीं है, अगर आपके पेटीएम के अंदर केवाईसी नहीं है, फिर भी गाइस यहाँ पे यूपीआई लाइट का यूज कर सकते हो। जैसे कि गाइस यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पे गाइस यूपीआई लाइट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे फाइनली गाइस देख सकते हो, जैसे मैं पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ फाइनली मेरा पेमेंट हो चुका है। और यहाँ पे गाइस जो आपको बार बार एम पिन फिलअप करने का यहाँ पे जो आपको परेशानी होता था वो भी एम पिन फिलअप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से गाइस आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई लाइट फीचर का यूज कर सकते हो, जो कि गाइस बहुत ही कमाल का है। और यहाँ पे गाइस पेटीएम के यूजर को बहुत ज्यादा इससे यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो आई होप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर इसी तरह का न्यू वीडियो देखना चाह रहे हो ने तो फटाक से अभी कभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में जो ब्लैक घंटे ऑल पे सिलेक्ट करो, ताकि मैं कोई भी यहाँ पे न्यू अपडेट आता है उसको सबसे पहले मैं वीडियो बनाऊँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, उस वीडियो को सबसे पहले आप देख करके फायदा उठा सको। तो चलिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।